अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो जनाब, फेसबुक पे आप डेली बहुत सारी चीज़ें देखते भी हैं, सुनते भी हैं और शेयर भी करते हैं। तो याद रखिएगा कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, फेसबुक की उस पर नज़र है। और ना सिर्फ ये, बल्कि फेसबुक के अलावा आप जो भी ऐप्स अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं फेसबुक की, उन पर भी नज़र है। तो ये एक बहुत डेंजर ऑप्शन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फेसबुक की कुछ ऐसी प्राइवेसी सेटिंग्स कि जिनको करके आप इस डेंजर से महफूज रह सकते हैं। याद रखिए कि फेसबुक ना सिर्फ आपका कंटिन्यूसली आपकी एक्टिविटीज़ को स्टोर कर रहा है, बल्कि आपके कॉन्टैक्ट्स, जो कि आप जब भी कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं तो वो फेसबुक में चला जाता है। तो ये बहुत जो है मसाइल क्रिएट हो सकते हैं फ्यूचर में। अगर कोई लेट्स सपोज आपकी फेसबुक को हैक कर लेता है, देन आपका सारा डाटा, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स उस बंदे तक आसानी पहुँच सकते हैं। वीडियो को गौर से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जो कि हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, और हम जब नया अकाउंट क्रिएट करते हैं तो विदाउट नोटिसिंग दीज सेटिंग्स हम जो है फेसबुक यूज़ करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सेटिंग्स करना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक आपके फ़ोन में मौजूद तमाम ऐप्स और उस पर की जाने वाली आपकी एक्टिविटीज़ को मुसलसल ट्रैक कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि आपने खुद फेसबुक को इसकी परमिशन दी है। तो मैं आपको बताऊंगी फेसबुक की कुछ ऐसी प्राइवेसी सेटिंग्स जिसको करने के बाद आप इस डेंजर से महफूज हो सकते हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपने नीचे सिक्योरिटी पर जाना है। सिक्योरिटी पर जाके आपने ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पर क्लिक करना है। याद रखिए, ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, उस पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी मैनेज एक्टिविटी पर क्लिक करना है। एंड देन ये देखें, वो तमाम ऐप्स आ रही हैं जो कि आप यूज़ करते हैं, और वो तमाम वेबसाइट्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, और फेसबुक कंटिन्यूसली उनके थ्रू आप पे नज़र रखे हुए हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस जो सेटिंग है इसको प्लीज़ ऑफ कर दीजिए। सेलेक्ट एक्टिविटी टू टर्न ऑफ, यहाँ से आपने टर्न ऑफ कर दी अपनी ये एक्टिविटी। इन तमाम को यहाँ से आपने पहले सेलेक्ट कर लिया। जो जो ऐप्स आप चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी उसके थ्रू ट्रैक ना हो, तो उनको आपने यहाँ से सिलेक्शन करके, तो इस तरीके से आपने कर देना है ऑफ। ठीक हो गया, टर्न ऑफ फ्यूचर एक्टिविटी। अब टर्न ऑफ जब आपने किया तो वो आपसे पूछ रहा है एक दफ़ा कि ये जो टर्न ऑफ एक्टिविटी है ये 48 आवर्स के अंदर जो है ऑपरेट होगा, मतलब 48 आवर्स तक स्टिल आप इस ऐप्स पे जो भी एक्टिविटी करेंगे वो ट्रैक होती चली जाएगी। आपने जब ये टर्न ऑफ किया तो रिक्वेस्ट आपकी सेंड हो जाती है, 48 आवर्स के बाद इन ऐप्स पे आपकी एक्टिविटी अब फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो कि करना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, जब भी आप फेसबुक का अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ये सेटिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, और वो ये है कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं फेसबुक पे ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाते हैं। और जब भी आप कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं तो वो भी फेसबुक पे स्टोर हो जाता है, और कंटिन्यूअसली आपकी ये जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है ये पूरी की पूरी फेसबुक पे पड़ी हुई है। तो इस सेटिंग को ऑफ करने का तरीका मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने जाना है अपने फेसबुक की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में थोड़ा आप जो है प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाएंगे। प्रोफाइल सेटिंग्स में जाने के बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट्स की ऑप्शन नज़र आएगी। इसमें आ रही है ऑप्शन कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट्स अपलोड, तो इस जो ऑप्शन है इसको आपने ऑफ कर देना है यहाँ से जाके। ये देखें, ये टर्न ऑफ, मैंने इसको टर्न ऑफ कर दिया। तो अब आप जो है हैकर से प्रिवेंट रह सकते हैं, मतलब अगर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है तो एटलीस्ट आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है सिक्योर रहेगी, हैकर्स तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, फौरन से इसको आप कर लीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके फेसबुक अकाउंट को किसी और ब्राउज़र, किसी और सिटी या कंट्री में लॉगिन तो नहीं किया गया, इस चीज़ को आपने अगर जानना है तो उसके लिए आप अपने फेसबुक की सिक्योरिटी एंड लॉगिन ऑप्शन पर जाएंगे। सिक्योरिटी एंड लॉगिन ऑप्शन पर जाने के बाद आपने ये चेक करना है व्हेन यू आर लॉग्ड इन, तो यहाँ से आपको तमाम वो डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो किन किन जगहों से, किन किन मोबाइल फ़ोन पे, किन किन ब्राउजर्स पे जो है लॉगिन हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपने ऑन रखना है। ठीक हो गया, तीन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स आज मैंने आपको बताई हैं जो कि फ़ौरन से अपने मोबाइल में कर लीजिए। होप सो कि आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। अभी के लिए बाय बाय।